एक और कैफे भी है जहाँ पे आवाम कपल्स के साथ बैठती है ज्यादातर। पर्सनल प्राइवेट चीज कहना जा रहे हो। अभी एक जहाज नहीं है, ये खड़े में दो, एक ये वाला और एक इससे नेक्स्ट साइड पे। ये जो यूनिवर्सिटी का सबसे ज्यादा फेमस एरिया ना वो है यूनिवर्सिटी का ये वाला बूंदी चौक। अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होगे और हम भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग करते स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप ऐसा करो, बेल आइकन के ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर प्रेस करते रहो, जंपिंग करते रहो, उसको दबा दो। हम अपनी यूनिवर्सिटी का आपको दिखाएंगे कंप्लीट टूर। कंप्लीट इस लिहाज से कि वो कंप्लीट नहीं करेंगे, क्लासेस के अंदर इंट्रो हो जाओ, हर जगह इंट्रो, इतना ही मतलब जितना हमसे हो सका उतना हम दिखाएंगे। और आज के व्लॉग में मेरे साथ हैं मॉडल भैया। और जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेना चाहते हैं नया, उनके लिए ये व्लॉग बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। एक दफा ये व्लॉग जरूर। अच्छा, उसके बाद न्यू स्टूडेंट को आप बेसिकली डराना चाह रहे हो और कुछ नहीं है ना? आप हमने तो 5-6 मैसेज जाया कर लिए, अब उनके भी जाया करवा रहे हो? नहीं नहीं, जाया करने वाली बात। चलो एक दफा चेक अभी नहीं ना, अभी वो तो व्लॉग देखेंगे, उनको आइडिया होगा। तो चलिए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग। यहाँ से स्टार्ट होके मतलब कि यहाँ पे ऑफिशियल वगैरह जो है सिस्टम, ऑफिशियल वगैरह जिसने एडमिशन कराना वो सिर्फ यहाँ से बिल्डिंग स्टार्ट होके ये सारी इस तरफ आ रही है। तो इतनी देखने में छोटी है लेकिन घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके पीछे अभी हॉस्पिटल की बेसमेंट भी है। अभी यूनिवर्सिटी के हम करें हुए फ्रंट पे और स्टेज को बेसिकली जो जितनी भी ओरिएंटेशन होती हैं बच्चों को और वेलकम वाला सीन सारा इधर होता है। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का सारा फ्रंट वाला एरिया और यहाँ से धोखा स्टार्ट होता है। वो उसकी तरफ बाद में आएंगे। तो अभी यूनिवर्सिटी के हम खड़े हुए हैं बिल्कुल फ्रंट पे और जो स्टेज वाला एरिया। यार नौमी इधर कुछ चल रहा है, इधर देखना ले क्या चल रहा है। हाँ आए थे इधर, कोई ना कोई एग्जीबिशन, कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। तो वो अभी बाद में दिखाएंगे, पहले आपको ये दिखाते हैं फिर उसकी तरफ बाद में चलते हैं। चल रही थी एग्जीबिशन क्योंकि आए दिन किसी ना किसी डिपार्टमेंट को कोई ना कोई टास्क मिला रहता है। इसमें यूनिवर्सिटी की वो एक स्पॉन्सरशिप भी हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट भी फ्री की स्टूडेंट के थ्रू करवाते हैं। तो उधर कोई ना कोई सीन चल रहा था तो बस उधर से हम आ गए हैं वापस। आपको मैंने क्लिप दिखा दिया, अभी उसको कर रहे थे रेडी, इतना प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए हम आ गए इस तरफ। तो इधर हम जो नीचे खड़े हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी कंप्लीट होता है, हम आपको टूर करवाएंगे और बताएंगे कि यूनिवर्सिटी वाले किस कदर बच्चों से काम करवाते हैं, किस कदर पीबीएल मतलब वो पीबीएल वाला सीन। तो एक वो सेमेस्टर रूटीन में होता है ना, उसके अलावा सेपरेट मार्क्स होते हैं। अभी हम खड़े हुए कैफे, मैं कहता हूँ अभी पहले कैफे ना दिखा लें इनको, पहले कैफे चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं तीनों कैफे दिखाएंगे क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में 3-4 कैफे हैं। और ये था हमारी यूनिवर्सिटी का कैफे सीनो। अभी इसके अलावा नौमी कितने कैफे और दो हैं यार, इसके बाद डॉक्टर कैफे भी है और मिलान भी है। हाँ, उसके बाद मिलान छोटे छोटे स्टूडेंट के मुताबिक है, जो अफोर्डेबल होते हैं ऊपर जाए, नहीं जो मतलब उसके स्टूडेंट की कैटेगरी के मुताबिक कैफे हैं। अभी आपको दिखाएंगे मिलान, मिलान के बाद दिखाएंगे आपको डॉक्टर कैफे। तो चले फिर चलते हैं मिलान की तरफ। आओ चले, चलो स्टार्ट करो। मिलान में वैसे बहुत ज़्यादा रश होता है, कोई नहीं रश भी चलेगा और दूसरा सिस्टम भी, दोनों मिक्स के मिक्स चलेंगे। अब आपको पता ना चाहिए ना कि यार किस कैफे में कितना रश होता है। वैसे कैसे हो? हेलो क्या रहा हो? एक यूनिवर्सिटी का टूर करवाते हैं बच्चों को कैफे का। ओके ओके, वैसे हमारे साथ हैं। किस टाइप का टूर करना यार, मतलब कि आवाम को कैफे दिखाना है ना हमने। ओके ब्रो आ जाओ, इधर तो यार रश बहुत ज्यादा आता है। हमारे साथ नौमी मॉडल भी है। नौमी मॉडल, नौमी आ गया हो यार। सीन कुछ ऐसा है कि जब बंदे नए नए स्टूडेंट आते हैं ना घर से, फिर ऊपर वाले कैफे में जाते हैं और उसके बाद इधर आते हैं। पैसे ज्यादा थे, जब पैसे खत्म होते फिर उनको ये वाला कैफे सूटेबल होता है, इसलिए इधर रश भी ज्यादा है। इतने 16 2 पराठे ला भी देने उतने सोच एक भी नहीं मिलता। आपने देख लिया कितना रश था, वो इसलिए रश था क्योंकि वो कैफे थोड़ा सा बच्चों के अफोर्डेबल है। ऐसी बात है नौमी, इसलिए ज्यादा रश उधर है। बाकी एक और कैफे भी है जहाँ पे आवाम कपल्स के साथ बैठती है ज्यादातर। पर्सनल प्राइवेट चीज कहना जा रहे हो। अभी चलते हैं मिलान कैफे, उसके बाद थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी का एक मजे का सीन दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है। एक्चुअली हर एक स्टूडेंट को कोई अलग अलग जगह मजे की लगती है लेकिन मुझे वाला यहाँ का सीन बहुत बहुत मजे का लगता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको इससे अगली वीडियो में। A few minutes later. चल। आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी में चलते फिरते जहाज और
खड़े हुए भी आपके ब्लॉक के चक्कर में गाड़ी के नीचे तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन खैर अभी आपको दिखाएंगे चलते फिरते जहाज भी, वो तो काफी ज्यादा मिलेंगे और दूसरे भी। सरोज भाई कैसे हो? फिट फाट। हमारी यूनिवर्सिटी में कितने जहाज हैं? ला तदाद है यार, जहाज तो जो खड़े हैं वो तो दो तीन ही हैं, वैसे ला तदाद है। वैसे ला तदाद है, पहले आपको जो खड़े हैं वो दिखाते हैं, बाकी तो आपने वीडियोस के अंदर देख ही लेने। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जहाज है, इर्द गिर्द आपको काफी जहाज नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने फोकस अभी इस पे ही करना है, ठीक है? वो काफी ज्यादा नीचे बैठे हुए ना, उनको छोड़ देना। अब ये वो जहाज है जिसपे आज तक किसी को कोई काम ही नहीं पड़ा, जिसपे कोई रिसर्च ही नहीं हुई, बस जब से खड़ा, जब मेरे ख्याल से जब से जंग लगी थी तब से इधर ही पड़ा हुआ है, और इधर इन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी है। और जो हमारे मतलब के यूनिवर्सिटी के दो जहाज हैं एविएशन डिपार्टमेंट के, उन पे बेसिकली रिसर्च वगैरह भी करते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं, तो वो वर्केबल हैं। इसका तो इंजन वगैरह निकाल के रखा हुआ है इन्होंने एविएशन की लैब में, लेकिन जो अभी तो खड़े हुए हैं ये इस पे पूरी रिसर्च करते हैं और बच्चों को इसके बारे में टोटली गाइड भी करते हैं। और ये भाई इंजन वगैरह इसमें हर चीज़ एवरीथिंग ओके है, मेरे ख्याल में सिर्फ अलाउ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र आ रहा होगा, तो दिखाते हैं आपको मज़ीद वीडियोज़ इसकी आगे जाके। तो पहले हम इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लें। ये एक जहाज नहीं है, ये खड़े में दो, एक ये वाला और एक इससे नेक्स्ट साइड पे। तो इसका इंटीरियर जाके चेक करते हैं। इंटीरियर मेरे ख्याल में इंटीरियर हाँ एवरीथिंग इसकी ओके है, क्योंकि इस पर रिसर्च होती है और पूरा ये वर्केबल है, तो इसीलिए इसको हर तरह से बांधा हुआ है कि कहीं यार इस नोमिस को इसलिए बांधा हुआ है कि उड़ ना जाए। चलें अभी चलते हैं आगे, और अब हम दिखाते हैं हॉस्पिटल दिखाएंगे। हॉस्पिटल वैसे चलो दिखा देते हैं, हॉस्पिटल दिखाएंगे, पता चले कि यहाँ पे स्टडी के रिलेटेड भी कोई चीज़ें मौजूद हैं। ये रिसर्च हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हर यूनिवर्सिटी के पास हॉस्पिटल होता है, तो हमारा अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज है, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो मैं पहले आपको दिखा रहे हैं बॉयज़ हॉस्टल, जो यूनिवर्सिटी के इंटरनल हॉस्टल है, ये वाला गर्ल्स हॉस्टल है और वो सामने वाला बॉयज़ हॉस्टल है। इधर एक ऑडिटोरियम भी है जो यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा मज़े का और सबसे ज़्यादा प्यारा और काफ़ी बड़े वाला ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम तो आपने देख लिया, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक एटीएम भी है जो कभी चलता ही नहीं है। नहीं कभी कभार चल जाता है, लेकिन वो तब कार्ड कैप्चर कर लेता है, कार्ड भी अंदर खींच लेता है, हफ्ता डेढ़ जलील उसी काम में होना पड़ता है। तो ये एटीएम ये वाला है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को इसका बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो इस चक्कर में फंसे हुए हैं। मेरा तो एक दो दफ़ा कार्ड फंसे और मुझे दो तीन हफ्ते बाद जाके मिलता है, या तो वो जाना पड़ता है ठोकर में कार्ड लेने। अबे मेरा कार्ड तो कसम से एक मंथ बाद आया था, और एक मंथ मैं जलील हो गया था। खुद लेने जाओ ना फिर जल्दी मिल जाता है, अदरवाइज वो उन पे छोड़ोगे तो वो हमें जल्दी नहीं मिलेगा। ये वाला जो एरिया ना हमारी यूनिवर्सिटी का, ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। यही तो एक दो तीन चीज अच्छी लगती हैं, नहीं तो नहीं लगती। ये इस साइड पे एक ना दूसरी साइड पे सेम ऐसा एरिया है, और ये वो एरिया है जहाँ पे अक्सर फिल्म्स वगैरह और ड्रामास वगैरह भी शूटिंग होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे अपनी यूनिवर्सिटी का माल रोड, जहाँ पे लाहौर का माल रोड आपने देखा होगा, मरी का माल रोड देखा होगा, लेकिन आपको आज दिखाएंगे स्पीड यूनिवर्सिटी का माल रोड। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है हमारी स्पीड यूनिवर्सिटी का माल रोड, लेकिन नोमी आज इधर रश नहीं है, क्या चक्कर है यार? अभी मसला है कि आवाम की क्लासेस चल रही है, और जैसे ही मतलब अभी क्लासेस खत्म होगी और रश लगना शुरू हो जाएगा, एंड हो जाएगी भाई। One hour later. आपको दिखाएंगे जो यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस एरिया ना विंटर्स के लिहाज से, वो है यूनिवर्सिटी का ये वाला बूंदी चौक। यार आवाम समझती है कि ये, मुझे पता है आप लोग ये एरिया सुनने के लिए बेताब थे, और अभी देख भी लिया इस तरफ विंटर्स में वहाँ एक तो साथ धूप, ठीक है एक तो साथ वहाँ धूप सेकती है, और दूसरा भाई बूंदी करती है, इसीलिए इसको कहते हैं बूंदी चौक। तो ये भी आपने देख लिया। अभी बारी है हमारे यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स की, तो भी चलो ग्राउंड दिखाने चलो। आप
सामने है यूनिवर्सिटी की मस्जिद, और मस्जिद माशाल्लाह इतनी प्यारी है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारी, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनको तो पता होगा। तो व्लॉग का बेसिकली आज से यूनिवर्सिटी टूर का हमारा पर्पस ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा तो ये पूछती है कि यार इस डिपार्टमेंट के बारे में, तो वो भी मैंने एक व्लॉग डाला हुआ है जिसमें बच्चों की करियर काउंसलिंग हुई थी, और आज का व्लॉग तो यूनिवर्सिटी टूर पर है। आपको पूरी एक उधर घर बैठे आप यूनिवर्सिटी का टूर कर सकते हैं, फिर आपका दिल माने आ जाए, अगर दिल ना माने तो फिर ना आए ना, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अभी हम आपको दिखाएंगे यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, तो फिर इसके बाद हम आपको स्ट्रीट फूड के भी दिखाएंगे सीन, उसके बाद फिर ब्लॉग को करेंगे एंड। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, लेकिन अभी तक ग्राउंड की थोड़ी सी काम वगैरह इसका चल रहा है, इसलिए इसकी थोड़ी सी हालत ख़राब है, नहीं तो ये बड़ा मज़े का ग्राउंड है। तो ये भी आप देख ही सकते हो, इधर बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन थोड़ी सी गंदगी वगैरह फैली हुई है, इस वजह से इधर आवाम नहीं बैठी, साइडों पे बैठी, तो आवाम इसके अंदर इतना घुस के बैठी होती ना कि जगह नहीं मिलती। ग्राउंड की हालत आपने देख ली, अभी बारी है हमारी यूनिवर्सिटी के जो स्ट्रीट बैकग्राउंड है, नोमी साहब बताओ थोड़ा सा। ये स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे ये सीन है कि जो स्टूडेंट्स दोनों कैफे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये भी है, और कुछ लोग यार ये ऐसी बातें हैं, ये महंगे हैं, अच्छे खासे महंगे हैं, खाना वगैरह हम खाते हैं, जैसे अफोर्डिंग वाली बात नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं खैर एक है लेकिन अच्छी हैं। तो ये एक दो तीन चार पाँच छः मैक्सिमम कोई सात आठ हैं ये स्ट्रीट फूड, इनका बाकियों की नस्बत इनका जो टेस्ट है जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ये चीज़ रिकमेंडेशन तो अच्छी है, मतलब कि आवाम को ये मानना पड़ेगा ये चीज़ अच्छी है। इधर मतलब यूनिक चीज़ें मिलती है ना, गोल गप्पे और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि कैफेज में नहीं मिलती दोस्तों, वो आपको शॉप से मिलती है यूनिक चीज़ें, लेकिन इसके अलावा आपको ग्राउंड में भी बड़ी यूनिक चीज़ें मिलती हैं, वो उसकी रीज़न अभी ये है, अभी तो ग्राउंड में भी वर्क चल रहा है इसलिए नहीं बैठे, तो बहुत चीज़ें मिलती हैं आपको। यार एक बात नहीं समझ आ रही, घूम घूम आगे हम ये बूढ़ी चौक की तरफ क्यों आ जाते हैं यार? ये अट्रैक्शन है एक तरह की, पता नहीं सच्ची खुद ब खुद इस तरफ आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। और अभी हमारा हमें लग रही है भूख, तो खाने का टाइम भी हो गया है, तो पहले हम खाएंगे थोड़ा सा खाना क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो बाकी ऑलमोस्ट आपने काफ़ी ज़्यादा सीन तो देख ही नहीं है, बाकी भी अगर कुछ रह गए तो आपको दिखा देंगे, अगर कुछ नहीं रह गए तो फिर वो आप इधर आके ही देख लीजिएगा। तीन चार सही है। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनका मतलब कि एक्सपीरियंस कैसा है, उनका क्या सीन है यूनिवर्सिटी को लेके, वो क्या सोचते हैं तो पूछते हैं। और यार बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनो, आपसे हमें ना एक यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू चाहिए। आप ये बताओ आपका सेमेस्टर कौन सा है? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर है इसका? फर्स्ट सेमेस्टर, फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे होंगे फिर, ऐसी बात है ना? फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सुनने में आ रहा है कि ना बड़ा पछताओगे, तो लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है। सुनने में अभी अच्छा लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि आगे जाके आप पछताओगे, पछताओगे। और ये बात जिस बंदे ने की है ना 100% अच्छी बात की है, कोई नहीं उसके लिए पहले से अपने आप को कर लो रेडी ताकि उसको अच्छी तरह फेस कर सके। ओके विश यू बेस्ट ऑफ लक ब्रो। पीछे वाला ग्राउंड है ना उसमें अभी चल रहा है काम वगैरह, इसलिए वाम उधर आपने साइडों पे देखी बैठी होगी, इसलिए वाम आए सारी इधर बैठी हुई है, ये सारी वाम बस भेड़ों बकरियों की तरह बैठे हुए हैं क्योंकि उधर काम चल रहा है, नहीं तो उधर ये ज़्यादा धूप सेकने के लिए उधर बैठे होते हैं, और साथ इर्द गिर्द पे माहौल पर नज़र रखते हैं और अपनी आँखें ठंडी करते हैं, बस इस तरह टाइम गुजारते हैं, इसीलिए उधर काम चल रहा है और वाम सारी की सारी इधर बैठी हुई है इस जगह, सारी की सारी बस आवाम बिजी अपने कामों में। तो आज की आपने हमारा मतलब कि वीडियो देख लिया, आज का जो हमारा टूर था यूनिवर्सिटी का, वैसे इतनी बुरी नहीं है जितना आप लोगों ने सुना, लेकिन यार वैसे बाय द वे यूनिवर्सिटी हमारी अच्छी है, तो मजाक करें वहाँ पे। और अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करें। आज का लोग कर रहे हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।